आज की रेसिपी हमारी दूध कोरमा। कुकर रखेंगे सबसे पहले। अब इसमें डालेंगे आधा कप तेल और उसको अच्छे से गर्म होने के लिए रख देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला, बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज हल्की सी फ्राई हो गई। अब इसमें डालेंगे गोश्त, गोश्त को थोड़ी देर चलाते हुए भूंज लेंगे, इसका थोड़ा पानी जल जाए। गोश्त भुन चुका है। अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच और इसको भी चलाते हुए थोड़ी देर भूंज लेंगे। लहसुन अदरक अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें डालेंगे नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे हल्दी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सब कुछ अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी। पानी डालने के बाद अब इसको करेंगे बंद और 2 सीटी के गलने तक पकाएंगे। कुकर ठंडा हो चुका है, इसको खोल के देखेंगे। गोश्त गल चुका है। अब इसको थोड़ी देर भूंजेंगे, इसका पानी जलाएंगे। गोश्त अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही और इसको भी चलाते हुए भूंज लेंगे अच्छे से। दही को डाल के भी अच्छे से भूंज लिया है। अब इसमें डालेंगे दूध, दूध हम डालेंगे 1 ग्लास, लेकिन 2-3 बार में थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा डालेंगे, फिर इसको भूंज लेंगे। दूध डाल के अच्छे से गोश्त भुन चुका है। अब इसमें फिर से डालेंगे थोड़ा सा और दूध और इसको फिर से भूंजेंगे। अच्छे से भुंज गया। अब इसमें फिर से डालेंगे थोड़ा सा दूध, हमने 1 गिलास दूध लिया है और उसको 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके डाला है। आप चाहें तो थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 बार में बिल्कुल नहीं डालना। अच्छे से भुन चुका है सब कुछ इसमें। अब इसमें कुछ नहीं डालना, थोड़ा सा और भूंजेंगे इसको। अब इसको प्लेट में निकालेंगे। बन के तैयार है हमारा दूध कोरमा।